नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस न्यूज में आपका स्वागत है। बचपन से हम पारस पत्थर की कहानियां सुनते चले आए हैं कि इस जादुई पत्थर में लोहे को सोने में बदल देने की ताकत थी। ये बात और है कि ना तो हम में से किसी ने पारस पत्थर को देखा है और ना ही हमें कहानियां सुनाने वालों ने कभी देखा था। फिर ये कहानियां कहां से और कब से प्रचलित हुई? अतीत में इसी पारस पत्थर की अवधारणा ने विदेशी विद्वानों में भी हलचल मचा रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अल्केमी रसायन विद्या में अपनी खोज जारी रखी। न्यूटन जैसे बड़े वैज्ञानिक भी अपने आप को पारस पत्थर के समूहक पाश से बचा नहीं पाए। अंतिम समय उनकी खोजों के जाल इसी के आसपास मंडराते रहे। पारस पत्थर का अस्तित्व इस दुनिया में कभी था या नहीं, ये तो रहस्य के गर्भ में है, लेकिन ज्ञान की इस पावन धरती भारतवर्ष पर सूर्य विज्ञान के सिद्धहस्त वैज्ञानिक जरूर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बताया कि सूर्य विद्या से सब कुछ संभव है। क्या है ये सूर्य विद्या? सूर्य विद्या के सिद्धांतों पर चर्चा करने की बजाय हम आपको महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, जो कि सूर्य विद्या के स्वयं बहुत बड़े ज्ञाता थे, जी का एक अविस्मरणीय अनुभव उन्हीं के शब्दों में बताते हैं। काफी समय पहले की बात है, जिस दिन से मुझे श्री विशुद्धानंद जी महाराज का पता लगा था, तभी से उनके संबंध में बहुत सी अलौकिक शक्तियों की बातें सुनने को मिल रही थी। बातें इतनी असाधारण थी कि उन पर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। हालांकि मैंने कई योगी एवं सिद्ध महात्माओं की कथाएं ग्रंथों में पढ़ी थी और उनके जीवन में घटित अनेक अलौकिक घटनाओं पर मेरा विश्वास भी था, लेकिन फिर भी आज हम लोगों के बीच में ऐसा कोई योगी महात्मा विद्यमान है, यह बात प्रत्यक्षदर्शी के मुंह से सुनकर भी ठीक से विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय संध्या निकट थी, सूर्यास्त में कुछ ही समय बचा था। मैंने जाकर देखा, बहुत सारे भक्तों और दर्शकों से घिरे हुए एक अलग आसन पर एक सौम्य मूर्ति महापुरुष व्याघ्र चर्म पर विराजमान है। उनकी सुंदर लंबी दाढ़ी है, चमकती हुई विशाल आंखें हैं, पकी हुई उम्र, गले में सफेद जनेऊ, शरीर पर काशाय वस्त्र और पैरों पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूल और फूल मालाओं के ढेर लगे हुए थे। पास में ही एक स्वच्छ कश्मीरी उपल से बना हुआ एक विचित्र यंत्र रखा था। वो महात्मा उस समय योग विद्या और प्राचीन आर्ष विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों की बड़े सामान्य रूप से व्याख्या कर रहे थे। कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर ऐसा लगा कि इनमें असाधारण विशेषता है, क्योंकि उनकी प्रत्येक बात पर इतना जोर था मानो वो अपनी अनुभव सिद्ध बात कह रहे हों। इतना ही नहीं, बीच में वे ऐसा भी कह रहे थे कि शास्त्र की सभी बातें सत्य है, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय योग्य अधिकारी को मैं दिखला भी सकता हूँ। उस समय वो समझा रहे थे कि इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र ही सत्ता मात्र रूप में सूक्ष्म भाव से सारे पदार्थ विद्यमान रहते हैं, परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित रहती है वही अभिव्यक्त होता है और हमें वही दिखाई एवं सुनाई पड़ता है। हम व्यवहार जगत में जिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते हैं वे उसकी अपेक्षित सत्ता है, वे केवल हम जिस रूप में पहचानते हैं वही है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए। लोहे का टुकड़ा केवल लोहा ही है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसमें सारी प्रकृति ही निहित होती है। परंतु लौह भाव की प्रधानता से अन्य समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन अदृश्य भाव को जैसे सोना उसमें प्रत्यक्ष करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो पहले वाला लौह भाव स्वाभाविक रूप से अव्यक्त अदृश्य हो जाएगा और फिर उसमें स्वर्ण के प्रत्यक्ष भाव के प्रबल हो जाने से वो वस्तु स्वर्ण के रूप में ही जानी समझी जाएगी। प्रकृति द्वारा रची गई इस सृष्टि में सर्वत्र ऐसा ही है, वस्तुतः यहाँ लोहा सोना नहीं हुआ बल्कि वे अव्यक्त अदृश्य हो गया और स्वर्ण उस वस्तु में अपनी अव्यक्तता को हटाकर उस वस्तु में प्रकाशित हो गया। योग शास्त्र में इसी को जात्यंतर परिणाम कहते हैं। पतंजलि जी कहते हैं कि प्रकृति के आपूरण से जात्यंतर परिणाम होता है, यानी एक जातीय वस्तु अन्य जातीय वस्तु में बदल जाती है। ये कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, यह भी योग शास्त्र में बताया गया है। कुछ देर तक जिज्ञासु रूप में मेरे पूछताछ करने पर उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें यह करके दिखाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने आसन पर से एक गुलाब का फूल उठाया और हाथ में लेकर मुझसे पूछा, बोलो इसको किस रूप में बदल दिया जाए? वहाँ चारों तरफ कहीं भी जवा फूल नहीं था, इसी से मैंने उन्हें उसको जवा फूल बना देने को कहा। उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली और बाएं हाथ में गुलाब का फूल लेकर दाहिने हाथ से उस स्फटिक यंत्र के द्वारा उस पर पड़ने वाली सूर्य रश्मियों को संहत करने लगे। मैंने स्पष्ट देखा कि उसमें क्रमशः एक स्थूल परिवर्तन होने लगा था। पहले उसमें से एक लाल आभासी प्रस्फुटित हुई और धीरे धीरे पूरा गुलाब का फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हाल का खिला हुआ जवा का फूल प्रकट हो गया। कौतूहल वश उस जवा पुष्प को मैं अपने घर ले आया था।
श्री विशुद्धानंद जी ने बताया कि इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति का खेल रहा है। जो प्रकृति की इस लीला के तत्वों को कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं, और जो नहीं जानते वो इससे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाते हैं। मैंने पूछा, इस फूल का परिवर्तन आपने योग बल से किया या किसी और उपाय से? स्वामी जी बोले, अभी मैंने ये फूल सूर्य विज्ञान द्वारा बनाया है। हालांकि योग बल या शुद्ध इच्छा शक्ति से भी सृष्टि के सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन बिना इच्छा शक्ति और योग बल का प्रयोग किए विज्ञान की सहायता से भी इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। फिर मैंने पूछा, सूर्य विज्ञान क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जो व्यक्ति सूर्य की रश्मियों या उसकी वर्णमालाओं को अच्छे तरीके से पहचान गया है और उसके वर्णों को शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वे सहज ही सभी पदार्थों का संघटन या विघटन कर सकता है। वह देख सकता है कि सभी पदार्थों का मूल बीज इन रश्मि वर्णों के विभिन्न प्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होता है। वर्ण भेद से और विभिन्न वर्णों के संयोग से भेद अलग अलग पद उत्पन्न होते हैं, और ठीक इसी प्रकार से रश्मि भेद से और विभिन्न रश्मियों के मिश्रण भेद से इस सृष्टि के हर तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। रश्मियों को शुद्ध रूप से पहचान कर उनकी योजना करना ही सूर्य विज्ञान का मुख्य विषय है। जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ होते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, काम क्रोध, लोभ प्रीति भक्ति आदि सभी वृत्तियां और संस्कार भी रश्मियों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। स्थूल वस्तुओं के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए जो लोग इस योजन और वियोजन की प्रणाली को जानते हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी। परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है, यही सूर्य विज्ञान है। मैंने पूछा, आपको यह कहां से मिला? मैंने तो कहीं भी इस विज्ञान का नाम नहीं सुना। उन्होंने हंसकर कहा, तुम लोग सुन भी कैसे सकते हो, तुम लोगों का ज्ञान ही कितना है। यह विज्ञान भारत वर्ष की ही वस्तु है। उच्च कोटि के ऋषि मुनि लोग इसको जानते थे और उपयुक्त क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया करते थे। अब भी इस विज्ञान के पारदर्शी विद्वान आचार्य मौजूद हैं। वे हिमालय और तिब्बत में गुप्त रूप से रहते हैं। मैंने स्वयं तिब्बत में ज्ञान गमनज नाम के एक बहुत बड़े योगाश्रम में रहकर एक योगी और वैज्ञानिक महापुरुष से लंबे समय तक कठोर साधना करके इस विद्या को तथा ऐसी ही और भी अनेक लुप्त विद्याओं को सीखा है। यह अत्यंत ही जटिल और दुर्गम विषय है, इसकी जिम्मेदारी भी अत्यंत अधिक है, इसलिए आचार्यगण सभी को ये विषय नहीं सिखाते। मैंने पूछा, क्या इस प्रकार की और भी विद्याएं हैं? उन्होंने कहा, हाँ हैं, जैसे चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वायु विज्ञान, क्षण विज्ञान, शब्द विज्ञान और मनोविज्ञान आदि बहुत विद्याएं हैं। केवल नाम सुनकर तुम क्या समझोगे? इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी को